मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने बरामद की 1,40,00,000 की MD, दो विदेशी नागरिकों समेत किया 4 लोगों को गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तान रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 11 कांदीवली, इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो विदेशी नागरिकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तकरीबन 700 ग्राम MD मेफेड्रोन बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,40,00,000 रुपए बताई जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुनील माने और पुलिस निरीक्षक सलील भोसले को मुखबिर द्वारा जानकारी मिली थी कि कांदीवली पश्चिम के खजूरिया नगर में कुछ लोग MD बेचने के लिए आने वाले हैं, जिसके आधार पर इस टीम ने वहां पर जाल बिछाया था। जाल बिछाने के बाद एक्टिवा पर दो विदेशी नागरिक आए और रिक्शा में बैठे दो लोगों को वो कुछ पैकेट दे रहे थे। तो ये पैकेट देने के दौरान पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर फिर पंचों के सामने इनकी तलाशी लेकर इनके पास से ये 700 ग्राम MD बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए चारों लोगों में दो अफ्रीका के आइवरी कोस्ट के हैं, जिनके नाम फ्लोगेंस उर्फ रोलास उर्फ मुस्तफा लाउड आका उम्र 31 वर्ष, जर्मन जेरी आबा उम्र 29 वर्ष, और दो भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया। ये मुंबई के साइन कुलीवाड़ा परिसर के रहने वाले, जिनके नाम दीनानाथ उर्फ टुनटुन रंगनाथ चौहान उम्र 33 वर्ष, सनी संजय साहू उम्र 34 वर्ष। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुनील माने के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सलील भोसले, API शरद झीले, विशाल पाटिल, नितिन उतेकर, PSI सुधीर कोरगांवकर, तानाजी पाटिल, अमलदार रविंद्र भांबड़े, नितिन शिंदे, दिलीप वागेरे, संतोष माने आदि ये पूरी टीम थी जिन्होंने ये ड्रग्स पकड़ने की कार्रवाई की है। आदि आई